हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति राठी अनदर व्लॉग। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। कई दिन हो गए भाई, मैंने कई दिनों से कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है। और अभी मैं नहा धोके बैठी थी, रेडी हो गई हूँ और हेयर फॉर्म कर रही थी। मैं कहा चलो आपसे थोड़ी बातें हो जाए, कई दिन हो गई है जैसे मैंने बातें भी नहीं करी है। तो पता है अभी एक तो सर्दियाँ से आ गई, सर्दी हो गई करके मैं आराम से अंदर लेटी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। काम सुबह खत्म करके जैसे तनु स्कूल जाती है, तनु के स्कूल जाने के बाद मैं आराम से घर पे बैठ के आप सफाई का या मतलब खाना पीना बना के पूरा काम करके अपना कंबल ओढ़ के और वीडियोस देख के टाइम पास करती हूँ। यही मेरा रूटीन है अभी तो। और कुछ जो है, कई दिन से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मौसी हमारी ना गायब हो रखी है 6 तारीख से, और आज हो गई है 24 तारीख, 24 जून नवम्बर। तो तकरीबन 20 दिन हो जाएंगे, आज 19वां दिन है मौसी को घर से गए हुए। सर्दियों का टाइम है, चलो भाई सर्दियाँ इतनी शुरू हो गई, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं उनका पता लग रहा, क्योंकि भाई उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है इस टाइम पे। और क्या कहें, ये बीमारी तो बताऊँ हमारे खानदान में ही है। मेरी नानी थी, नानी की भी तबीयत ऐसे ही रहती थी खराब। एक तो होता है जिनका दिमाग ही नहीं चलता, एक होता है जिनका एक्स्ट्रा चलता है। तो हमारे खानदान में थोड़ा एक्स्ट्रा चलने की आदत है कि दिमाग तो चलता है पर बहुत ज़्यादा चलता है, वो चीज़ की दिक्कत है। और हाइपर हो जाना, गुस्सा कंट्रोल ना रहना, कुछ जो है उनके बेटे ने बहुत परेशान कर रखा था उनको भी, जो मेरा भाई है। मतलब परिवार में पता है इतनी उम्र में आके बंदा यूं ही घर से नहीं जाता, कुछ तो परिवार की दिक्कत हो जाती है, फिर मानसिक स्थिति ठीक ना होना तो ही जाता है। तो परिवार से भी परेशान थी, कुछ उनके करके गई हुई हैं, क्या कहें। मतलब अगर वो ठीक होती तो शायद वो ना जाती ऐसे, अगर उनका मतलब स्थिति ठीक होती ना। नॉर्मली वो ऐसे ही नहीं थी, नॉर्मली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी मौसी, हम सारे मतलब गए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बस कहीं ना कहीं परिवार के मामले में टूट जाते हैं। तो मेरी मम्मी की बताती हूँ कहानी भाई, मेरी मम्मी भी अकेली थी। मेरे पापा जो हैं वो पहले एक्सपायर हो गए थे, सन 2000 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे जुलाई के महीने में। तो मम्मी अकेली थी तो पहले तो इतना नहीं था भाई, बाद में स्ट्रेस बढ़ता काफ़ी बढ़ गया, और इतना बढ़ गया स्ट्रेस क्या बोल रही कि उनकी भी तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले 4-5 साल भी हो गया भाई कभी होगी ज़्यादा तबीयत ख़राब, बाद में तो ऐसे हो गया था साल भर में। लास्ट के अभी जब कुछ साल थे ना, लास्ट के 3-4 साल में मम्मी के साथ ही थी, तो लास्ट के सालों में तो मम्मी ऐसी थी कि भाई हर साल बीमार हो जाती थी। 1 महीना तकरीबन हम हॉस्पिटल में रहते थे, ज़्यादा भी हो जाता था, और भाई मेडिकेशन पर रहती थी। तो एक बार मेरी मम्मी भी जो थी लास्ट टाइम, पता है मेरी मम्मी भी घर से चली गई थी, ऐसे नहीं था कि वो भी मतलब सुबह ही निकली थी, 3:30-4 बजे का टाइम था, उन्होंने मेरे को बाहर से लॉक कर दिया। हमारा घर ऊपर नीचे का था रोहतक में, तो ऊपर वो मेरे को लॉक करके चली गई। बाहर मेरे को क्या हुआ कि वहाँ हमारे पीछे ही जो था ना लॉबी थी, और लॉबी से निकल के ओपन एरिया था, तो मैं छत पे से कूद के नीचे रिप गई। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने रजनी को फ़ोन मिलाया कि भाई ऐसे ऐसे ना मम्मी घर से निकल गई, और भाई गेट भी लॉक कर गई है, मैं तो चल पीछे से उतर गई, और मैं ना मम्मी को ढूंढ रही हूँ, भाई जल्दी आ जाओ। वो दिल्ली आ रखी थी, उनको पहले बता रखा था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। पूजा हॉस्टल में थी, पूजा बहुत छोटी थी उस टाइम पर, 8th 9th क्लास में थी शायद। तो पूजा अपना स्कूल में थी, और मैं अपना समझ ही नहीं आया क्या करूँ। हमारा रोहतक में ऐसे ही जगह घर था, बिल्कुल सामने जींद बाईपास था, मेन बाईपास कह लो, यहाँ से भी सड़क जा रही है, मेन हाईवे जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है, तो 3-4 जगह ऐसे रोड डाइवर्ट हो रहे थे। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। चाय वालों से पूछा, जो सुबह सुबह वो टपरी से खोल लेते हैं ना पेट्रोल पम्प, उनसे पूछी, तो भाई मैं तो उनको सुबह ही ढूंढने लग रही, आंखों में आंसू, फ़ोन मिला रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। तो भाई ढूंढते भाई, मेरी मम्मी काफ़ी मोटी सी थी, हेल्दी थी, तो जैसा हुलिया पूछूं तो जो मेन रोड थे उनसे कहीं से नहीं कुछ पता लगा, वो किसी दूसरे रास्ते से निकल के गई। बहुत ढूंढने के बाद फिर मैं, और मेरे को याद आया पीछे से भी रास्ता है,
एक तो हो गया सामने से ही हम निकल जाए कि हमें मेन रोड से ही निकलना है, तो वो दूसरे रोड से डाइवर्ट होती गई, तो उस रास्ते पे गई तो पता लगा वहाँ से गई है। आगे गई मैं ढूंढती ढूंढती ढूंढती, पता लगा जहाँ जहाँ एड्रेस पता लगा, तो भाई एक थाने में चली गई थी मम्मी तोड़ फोड़ मचाई खूब, आगे थाना ही था मतलब कह लो, वहाँ पे उनके सब चीज़ें तोड़ी आई थी मम्मी, और वहाँ से भी चली गई। जब तक मैं वहाँ पहुँची हूँ कि भाई मैंने जैसे जैसे पूछा कि भाई यहाँ कोई ऐसी लेडीज आई या नहीं, तो भाई देखो इस टाइम पे जब किसी के दिमाग की हालत ठीक नहीं होती ना, तो उसको खुद नहीं पता होता वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता रहता। उस केस में क्या बना, ढूंढते ढूंढते मिल तो गई हूँ तो आइडिया हो गया कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं, फिर मैं उनको दूसरी जगह ढूंढने गई। वहाँ मेरे को लकीली इन्फॉर्म में हो गई कि हाँ मम्मी वहीं है, और जैसे भाई मम्मी वो हलचल कर रही थी, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे थे, तो पुलिस वालों ने भी अपनी गाड़ी लगा ली, लेडीज़ कॉन्स्टेबल भी चली, तो मम्मी अपना रोड पे जा रही। सुबह का टाइम बिल्कुल रोड खाली, सर्दियों का टाइम था, यही दिसंबर जनवरी का महीना था, मतलब दिसंबर का एंड था और जनवरी की स्टार्टिंग, कुछ ऐसा ही टाइम था कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। इतनी ठंड में मम्मी स्लीवलेस मतलब कह लो ये हाफ स्लीव का जो कॉटन का सूट होता है वो डाल के, एक ऊपर हल्की सी जैकेट और स्टोल डाला हुआ था, कुछ भी नहीं, और इतनी ठंड के मौसम में मेरे को देख के मम्मी ने देख लिया मैं आ गई वहाँ, तो ऐसे स्टोल से ऐसा मुंह कवर कर रही कि भाई मेरे को ना पहचाने भाई ये बस कैसे ऐसे, और भाई बच्चा देखो हम है कोई भी है लगा लो, आप अपने पसंद के बंदे को इतने अच्छे से पहचानते हो, भले उसके कपड़े भी बदले हुए हो तो भी आप उसका हुलिया देख के पहचान लोगे कि अपना ही बंदा है। तो भाई बहुत मुश्किल से मम्मी को हम वापस उस दिन घर लाए, लाने के बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए, जब रजनी भी थोड़ी देर में ही आ गई थी आधे घंटे बाद ही, जब तक मम्मी मिली 8:30-9 बज गए मतलब घूमते हुए, मैं तो ले आई ढूंढ के, फिर बस मम्मी का पता ही नहीं लगा कब क्या हुआ। आखिरी टाइम पे मतलब बड़ी दिक्कत रहती थी भाई, जिनको ऐसी दिक्कत होती है ना उन्हीं को पता होता है कि भाई जिनके परिवार में ऐसी हो कंडीशन, तो बस क्या कहें, किसी के साथ भी हो सकता है, यूँ किसी का ना भाई कुछ नहीं कहना चाहिए इसमें। अब हमारी मौसी का नहीं पता बेचारी कहाँ है, बस भगवान करे सुरक्षित हो जाते भी हो, मिल जाए घर आ जाए, उम्मीद तो यही कर रही है, अब ये नहीं पता बेचारी के हाँ होंगे क्या बताएं, बस मन बहुत दुखी रहता मतलब यही सोच के ना कि कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत दिन हो गए अब तो वापस आ जाना चाहिए, या कुछ तो खबर मिले, कुछ खबर भी नहीं मिली बेचारी की, इतनी सर्दी हो गई मौसम में ना अपने बंदे की बहुत वो लगती है। मैं तो बल्कि जो मेरे नियर बाय एरिया होता है ना मैं वहाँ पे जाके वो डाल के आती हूँ, जैसे मेरे पे कपड़े उठते हैं सर्दियों के टाइम पे, एक्स्ट्रा कपड़े हो गए गर्म कपड़े, रजाई कंबल या जो भी मेरे पे एक्स्ट्रा रहता है ना मैं वहाँ पे छोड़ जाती हूँ कि जिसको ज़रूरत हो अपना उठा ले जाए, फ्लाई ओवर वगैरह के नीचे डाल जाती हूँ। झुग्गी झोपड़ी वालों पे तो हैं ऑलमोस्ट कपड़े, मैंने देखा हुआ है कई एरिया में, मैं जाके देखती रहती हूँ, शाहबाद जैसे मैं जाती हूँ या हमारे शाहबाद नियर बाय पड़ता है तो उधर तो मैं जाती हूँ, और कई रोड पे जैसे सोते हैं उनके लिए डाल जाती हूँ भाई किसी को ज़रूरत हो कपड़े उपड़े की, तो यही है देखो जिसके साथ बीतती हो ना बंदे को उसको थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि भाई अच्छे खासे घर का भी बंदा रोड पे आ जाता है अगर उसकी हालत ठीक ना हो, और वक्त का किसी का पता नहीं होता किसका कैसा बीत रहा है कैसा नहीं, सबके में सुख दुख आते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबकी लाइफ स्मूथ चलती है, स्मूथ तो कह लो बचपन ही होता है बाकी तो कुछ नहीं होता, कईयों का तो बचपन भी इतना स्मूथ नहीं होता, वो बहुत हार्ड होता है, और क्या कहें बस कुछ नहीं कह सकते, यही है कि भाई जिसके भी जो हो अपना घर परिवार वाले अपना घर पे रहे, आखिरी टाइम हो जैसे भाई बुजुर्ग हो जाते हैं न्यू रोड पे दर बदर मतलब उनको धक्के ना खाने पड़े, ये चीज़ की सबसे बुरी वो लगती है कि भाई बेचारे इधर उधर कहाँ भटकेंगे ऐसे टाइम पे, तो बस किसी के साथ ऐसा ना हो भाई परिवार में किसी के साथ भी, ये चीज़ का बहुत मतलब दिल में मलाल सा रहता है। बाकी उसके बाद तो मैंने मम्मी का खास ख्याल रखा था, वो हमारे पुराने घर की बात थी, जब हमारी मम्मी ऐसे चली गई थी ना नए घर में भी उन्होंने कोशिश करी थी, बट उस टाइम पे हम ज़्यादा अलर्ट हो गए थे क्योंकि हमने एक बार मम्मी देख ली थी घर से निकली हुई, और जब घर से बंदा निकल जाता है ना और जब उसकी हालत ठीक ना हो तो ऐसा लगता है भाई जान हाथ में आ गई हो निकल के, कैसे ढूंढे क्या करे समझ ही नहीं आता कुछ भी, एक तो बंदा रुकता ही नहीं है चलता ही जाता है ये भी नहीं पता क्या करे क्या नहीं, तो बस थोड़ी सी यही है
बाकी देखो भाई जो कर्म में लिखा है किसी का भी है, सुख दुख कुछ नहीं पता, बाकी तो बुढ़ापे में जाके पता लगता है कैसा जीवन बीता है। बच्चे अगर सही होते हैं, मतलब किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं कह सकते हम भाई, हमारे बच्चे ठीक निकलेंगे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं कह सकते, जो होना होगा होएगा। हम किसी मतलब अपने फ्यूचर की भी नहीं देख सकते, मेरी मौसी लगा लो मेरी मम्मी लगा लो, उनको तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पैसे की प्रॉपर्टी की हर चीज़ की सुख सुविधाएं थी, फिर भी अपना मतलब कह लो मानसिक तनाव के करके ना वो खुश नहीं रह पाई और परेशान हुई। ऐसे अब ऐसे जाके गति मिलेगी कुछ, क्या कुछ नहीं कह सकते किसी की भी। तो भाई देखो अपना भगवान से डर के रहना चाहिए, जो होगा बाकी कर्मों में वो तो होना ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो लिखा है देखो लिखी को तो सही कहते हैं, कोई नहीं बदल सकता, बस अपने हाथ में अपने कर्म है, कर्म करे जाओ, जो होना है वो तो होएगा, बाकी किसी चीज़ से मत घबराओ, अपने आप से मतलब रखो, दुनिया बहुत बेकार है। बस फिर यही था मेरा आज का व्लॉग, मिलेंगे फिर किसी और व्लॉग में, कहोगे पका दिया इसने ऐसी ऐसी बातें करके, तो भाई मेरे पे तो ऐसी बोरिंग बातें रहती है थोड़ी सी, मैं अपनी बोरिंग बातें वैसे कम करती हूँ, ये हर किसी से नहीं करती हूँ, मतलब हो गया अपनी बहनों से कर ली कभी कभी, अपने करीबी नियर डियर से, पर बहुत तो इतनी भी बातें ना मतलब अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव वाइब आती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। हमारी ज़िंदगी में भी कई बंदे पूछते हैं आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो पिछली लाइफ का ही हमारी शादी से पहले तक की कोई बढ़िया लाइफ नहीं थी, क्योंकि परिवार तो हमारा था ही नहीं, मम्मी थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, पापा जो जब हम छोटे से थे बचपन में, पापा मतलब उनके तो जवानी का टाइम था, हम छोटे छोटे थे तो जब चल बसे, तो कुल मिला के वो इतनी बुरी मेमोरीज़ है हमको याद नहीं करना चाहते, कोशिश करते हैं कि ना याद करें, क्योंकि कुछ नहीं रखते, मूव ऑन करने में ही आज में जीना ही ज़िंदगी है, जो आपका आज है आने वाला कल है उस पर फोकस करो, आज अच्छे से जियो, कल की क्या फिक्र है, कल रोटी होगी तो खा लेंगे नहीं तो देखी जाएगी, बड़क किसी की लेनी नहीं, चिल करो मस्त रहो। तो भाई यही था मेरा तो व्लॉग, पक गए हो तो सॉरी, अब मैं अपने बाल बालूँ, बुढ़ापा आ लिया मेरे बालों में तो सफ़ेद बाल, अभी कलर करे मैंने और बहुत जल्दी वाइट हो जाएंगे मेरे के अंदर ही, शैम्पू अप्लाई करती रहे जैसे स्कैल्प पर, तो ऐसे ऐसे यहाँ वाले एरिया के इतनी जल्दी वाइट 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 हो जाते हैं, नेचुरल जिनके ब्लैक है भाई किनको दिक्कत ना हो तो उनके बाल कितने अच्छे लगते हैं, मेरे को तो अपने बहुत बुरे लगते हैं, मेरे को कलर करना पड़ता है, ये चीज़ से भी मैं बहुत परेशान हूँ। ये है मेरी बचपन की निशानी, दुखों का भंडार। कुछ नहीं होता सुख दुख तो भाई अपने मन से खुशी होती है, किसी से क्या लेना, घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने को, मस्त रहो स्वस्थ रहो खुश रहो, टेंशन ना लो, टेंशन लेने का नहीं देने का, लो भी मत दो भी मत, मजे तो रहो भाई मेरी तो यूँ ही बकवास चलती रहेगी।